Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ramzan special mein aaj ki recipe hai bread pizza jo tawe ke upar banaya jayega. Chatpat se ban jane wali bahut hi maze ki recipe hai. Aap is Ramzan mein isko zarur try kijiyega. Ramzan ke silsile ki recipes mein aaj aakhri recipe hai jo main aapke sath share kar rahi hu. Kal se inshaallah taala Eid ki recipes ka silsila shuru karenge. इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके. इस रेसिपी से बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए इसको आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा. आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले टॉपिंग के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं. दरमियानी आँच पे पैन रखा है. एक खाने का चम्मच तेल का शामिल किया इसमें. आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 150 ग्राम मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी के. इसको पका लेंगे, इसकी रंगत तब्दील हो जाए तो इसमें एक खाने का चम्मच पानी का शामिल करेंगे. आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च, एक चाय का चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब्स, नमक हसबे जायका, सफ़ेद सिरका एक चाय का चम्मच, हॉट सॉस एक चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट एक चाय का चम्मच. 3-4 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे इसको हिलाते हुए. दो खाने के चम्मच के बराबर पानी शामिल किया है और अब इसको ढक के इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए. मुर्गी गल चुकी है, पानी खुश्क हो गया है. टॉपिंग के लिए चिकन तैयार है. ब्रेड के 2 पीसेस लिए हैं. मैं इनको राउंड शेप में काट रही हूँ. आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं. सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे. चेडर चीज़, शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, प्याज बारीक चॉप किया हुआ. आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टमाटर बगैर बीज के बारीक चॉप किया हुआ. अभी जो चिकन की टॉपिंग तैयार की थी वो लगाएंगे. मोज़रेला चीज़, क्रश की हुई, ब्लैक ऑलिव्स, ओरिगैनो एक एक चुटकी स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से. तवा रखा है दरमियानी आंच पे, उसमें एक चम्मच तेल का शामिल किया है और उसको तवे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे. अब ये ब्रेड पिज़्ज़ा इस पे रखेंगे और तवे को ढक देंगे. तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे. ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है और ब्रेड पिज़्ज़ा तवे पे तैयार है. तवे के ऊपर बना हुआ ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी टू सर्व है. मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ जिसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी तफसीली वीडियो देख सकते हैं. रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा. ईद स्पेशल की बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए.